अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो रमज़ान स्पेशल सीरीज़ चल रहा है, तो ये हमने बनाया है ड्रमस्टिक फ्राई। ओके, सो ये शादियों में भी बनता है और ये इफ्तार में भी बहुत बनता है। आपको हर जगह पे ये आधे से ज़्यादा वक्त ड्रमस्टिक फ्राई मिलेगा, जो बहुत ही यम है टेस्ट में और दिखने में भी बहुत अच्छा है। ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो चिकन ड्रमस्टिक फ्राई है तो आपको इसे अच्छे से वॉश करके इसमें कट लगा लेना है। कट ऐसा लगाना है कि बस आपको कट दिखे, ठीक है, बोन और ये इसका जो फ्लैश है वो अलग ना हो जाए, ठीक है, वरना फ्राई करते वक्त पूरा बिखर जाएगा। डीप कट नहीं लगाना है आपको। ओके, और इसे एक छन्नी में डाल के रखना है ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब वही है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका रेसिपी, मतलब प्रॉपर मेकिंग बताए, जैसे कि क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी में बता नहीं सकते हैं बिकॉज ये बहुत पैमाने में बन रहा है। ओके, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट। हमेशा ये ट्राई करें, रमज़ान में जो रेसिपीज़ बनती है वो आप होममेड मसालों से बनाएं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये है वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप तभी ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ करें, बट केटरिंग स्टाइल खाना है तो मेक श्योर करें कि जैसे बता रही हूँ वैसा करें। यह है तंदूरी मसाला पाउडर। ये आ गया दही। ओके, दही आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश या फिर बाहर का कोई भी पैकेट वाला दही। ये आ गया गरम मसाला पाउडर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें। ओके, अभी अंडा तो ये एक्सपीरियंस्ड है इसलिए वन बाय वन डायरेक्ट डाल रहे हैं उसके अंदर, बट आप मेक श्योर करें कि आप एक बोल में एक एक अंडे को चेक करें, ठीक है, उसके बाद आप डालें वरना पूरा मसाला ख़राब हो जाएगा। यह है रेड मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इसमें कलर भी जाएगा, फूड कलर, बट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, रेड फूड कलर, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज़ अ गुड क्वालिटी और एल्स स्किप द कलर। अब अंडा जो है वो डालने के बाद इसे आपको अच्छे से मैरिनेट करना है। इसके बाद गया नमक और जाएगा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर और वाइट पेपर पाउडर रमज़ान में हर एक ग्रॉसरी स्टोर में अवेलेबल रहता है। अभी तक कॉर्नफ्लावर डाला नहीं है, इस पर कॉर्नफ्लावर डालना है। ओके, तो अब इसको पूरे थाइस को अच्छे से आप मैरिनेट करें। ओके, मैंने हमेशा बताया मैरिनेशन जो होता है 8 से 10 घंटे रखोगे तो अपना एक मॉइस्चर रिलीज करता है मीट और उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। ये गया कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर इतना भी नहीं डालना है कि एक थिक लेयर बन जाए चिकन के ऊपर या फिर मीट के ऊपर, बिकॉज फिर वो एक बहुत ही बेकार टेस्ट देता है। सो मेक श्योर करें कि कॉर्नफ्लावर का जो क्वांटिटी है वो थोड़े हिसाब से डालें। इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइज, हमने मोहम्मद अली रोड मुंबई ये शूट किया था फर्स्ट रमज़ान को। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है स्ट्रीट फूड का तो ज़रूर से देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही रौनक है उस वीडियो में। ओके, ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रमस्टिक फ्राई। दिस इज हिंग और तिल, सफ़ेद तिल। हिंग और तिल जो है उसको मिक्स करके इस पे डाला है और अभी आपको इसे मिक्स करना है, ठीक है। बस यही है इसका सीक्रेट ड्रमस्टिक फ्राई का। तो कभी भी आप शादियों में जब खाते हो तो एक क्रंचीनेस आता है, वो आता है तिल से, ठीक है। जो तिल से एलर्जेटिक है वो स्किप कर दें। अब आपको इसे डीप फ्राई कर लेना है। बस हो गया। रमज़ान की मेकिंग्स जो है हम रोज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं कुछ न्यू। सो गाइस, आई होप आपको ये मेकिंग्स पसंद आई होगी। ये एक आइडिया ही है जो आप अपने डेली इफ्तार में बना सकते हैं। ओके, इसे केटर किया था राजधानी केटरर्स ने। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।